स्वागत है आपका मारीना संदेश में। और इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में, जहां स्ट्रांग रूम बनाया गया है नवीन उप मंडी स्थल जनपद मऊ। वहां आप देख सकते हैं कि बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात है, COCT सहित अन्य तमाम गाड़ियां हैं, और भी जगह के CO हैं, तमाम CO की गाड़ियां दिख रही हैं। सिटी मजिस्ट्रेट साहब की भी गाड़ियां यहाँ दिख रही हैं। ये हम आपको पटरी के एक साइड का सीन दिखा रहे हैं, जिस साइड में सामने स्ट्रांग रूम बना है, और दूसरी चीज़ की यहीं पर काउंटिंग भी होनी है। वहीं अभी हम आपको पटरी के दूसरे साइड का सीन दिखाएंगे कि जहां पर समाजवादी के, सुभाषपा के और अन्य गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं, उन लोगों ने धरना दे रखा है। उनकी भी लाइन से तमाम गाड़ियां देख सकते हैं सड़क के दूसरे साइड में, यहां पर उनकी गाड़ियां खड़ी हैं तमाम समाजवादी नेताओं की। और इधर भी साइड में भी देखेंगे तमाम समाजवादी नेताओं की गाड़ियाँ हैं, तमाम समाजवादी नेता हैं। टेंट लगा हुआ है और टेंट बढ़ता ही जा रहा है, यहाँ पे लगातार लोग धरने पे बैठे हुए हैं। रात में हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, जिस वीडियो में अब्बास अंसारी सहित अन्य जितने भी नेता थे या प्रत्याशी थे, जिनकी किस्मत यहाँ स्ट्रांग रूम में बंद है, वो सभी लोग यहाँ धरने पर बैठे थे। हेरा फेरी की आशंका थी, और यहाँ पर वो लोग जा चुके हैं, दूसरी शिफ्ट के लोग यहाँ पर हैं। अब इन सभी लोगों से हम जानना चाहेंगे किस तरीके का मामला चल रहा है। और यहाँ पर लिटिल फ्लावर स्कूल के प्रबंधक मुरलीधर यादव जी हैं, जो समाजवादी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो किस तरह की आप लोगों को सूचना मिली थी, और आखिर क्यों यहाँ धरने पर आप लोग बैठे हैं। देखिए, हम लोग धरने पर नहीं बैठे हैं, हम लोग जब EVM यहाँ जमा हुई हैं तब से सारे समाजवादी कार्यकर्ता यहीं अंदर उपस्थित थे। 13 लोगों की ड्यूटी माननीय जिला अधिकारी जी के निर्देश पर हर पार्टी के लोगों की 13-13 लोगों की ड्यूटी लगी हुई है, जो कि अंदर बैठे हुए हैं। लेकिन कल शिवपुर में, वाराणसी में, जैसा कि 3 ट्रक EVM मशीनें संदिग्ध अवस्था में प्राप्त हुई, उसमें से एक ट्रक को पर समाजवादी साथियों ने और अन्य दलों के साथियों ने कब्जा कर लिया, और उसके बाद से हालात कुछ बदले और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और यह निर्देशित किया है कि हम समाजवादी कार्यकर्ता सभी इसकी निगरानी करते रहें, जिससे कि काउंटिंग में जो धांधली होने की शंका है, और जो कि सारे बहुत सारे लोग इस पर व्यक्त कर रहे हैं, विश्व भर के लोग इस पर बात कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं धांधली की आशंकाएँ बनी हुई हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से। तो उस परिस्थिति में हम लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम लोग काउंटिंग के दिन तक बैठे रहेंगे। चर्चाएं चल रही कि आप लोग एग्जिट पोल देख के घबरा गए, इसलिए जो है अपनी कमियों को छुपाने के लिए हेरा फेरी की बात की जाए। नहीं नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। एग्जिट पोल आप भी जानते हैं, एग्जिट पोल दिल्ली में भी हुआ था, वहाँ पे सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को 3 सीट मिली थी। एग्जिट पोल बंगाल में भी हुआ था, वहाँ पे भी 100 के नीचे रह गई भारतीय जनता पार्टी। अब एग्जिट पोल पर हम लोगों की कोई निगाह नहीं है। हम पहले दिन से, जब EVM मशीनें जमा होने लगी तब से हम लोग यहीं पर हैं, और उस दिन भी समाजवादी कार्यकर्ता सब रात तक वहीं ही रहे, फिर अगले दिन शिफ्ट वाइज हम यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। अच्छा, हेरा फेरी की जो आशंका, ये किस स्तर से लग रहा है कि हो सकती है हेरा फेरी? देखिए, प्रशासनिक स्तर पर शंका जताई जा रही है कि प्रशासनिक स्तर, जो कि अभी भी उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक स्तर उन्हीं लोगों के हाथ में है, तो इसलिए आशंका जताई जा रही है। लेकिन हम लोगों को चुनाव आयोग और संविधान पर पूरा भरोसा है, और हम लोग उस भरोसे पर हैं, और उसके बाद हम अपने तरफ से जो है हमसे जितना हो सकता है हम लोग यहाँ पर सुरक्षा और रक्षा करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आपका नाम? हमारा नाम ओम प्रकाश यादव। पार्टी से आप? समाजवादी पार्टी, सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश सचिव। सैनिक सर, यहाँ पर आप भी धरने पर बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भी प्रशासन स्तर पर भरोसा नहीं है? नहीं, देखिए, प्रशासन स्तर पर भरोसा है नहीं है, वो तो बात की बात है। जिस तरीके से प्रशासन के निगरानी में ही ये EVM मशीनें बनारस के अंदर पकड़ी गई, 3 जगह इस तरीके की कार्रवाई हुई है, वो आखिर क्या दर्शाता है? ये लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास है। कल जो रिजल्ट आने वाला है, जीत या हार, ये तो बात का मामला है, लेकिन जो एग्जिट पोल दिखा रहा है, उससे कहाँ तक सहमत है? एग्जिट पोल देखिए, जैसा कि हमारे बड़े भाई ने बताया, एग्जिट पोल एक चंद लोगों का लिया हुआ सैंपल पर निर्धारित होता है। एग्जिट पोल कोई एग्जिट करंट फाइनल रिजल्ट नहीं होता है। एग्जिट पोल दिल्ली के अंदर था, एग्जिट पोल जो आपके बंगाल के अंदर था, हर जगह फेल हो गया। एग्जिट पोल 2014-15 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में बिहार के अंदर था, प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी गिराई, जिसको कि उसका सुपड़ा साफ हो गया था। तो एग्जिट पोल कोई एक फाइनल पैमाना नहीं होता है, और उससे हम कोई घबराने वाले नहीं हैं। बिल्कुल क्लियर कट है कि लहर बिल्कुल बड़ी करारी है, चिलम पर साइकिल भारी है, तो भारी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। चिलम पर साइकिल भारी है,
अभी आपने देखा है कि यहाँ पर इन लोगों का जो हौसला है वो बुलंद है, हौसला टूटने वाला नहीं है, एग्जिट पोल से कोई मतलब नहीं है। और इन लोगों के जो बताई है कि हेरा फेरी की आशंका है, इस आशंका को दूर रखने के लिए और यहाँ अपनी पुलिस के साथ साथ खुद की भी निगरानी करने के लिए जो लोग 13 लोगों के परमिशन है अंदर वो लोग हैं ही, उनके अलावा बाहर समाजवादी की पूरी टीम बैठी हुई है और पूरी टीम में यहाँ लोग लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं, 24 घंटा यहाँ लोग निगरानी कर रहे हैं। चूँकि समय कम है, 12:30 बजे समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता है, वहाँ पर भी चलना है, लेकिन अब देखना ये है कि इन लोगों की निगरानी का क्या असर हो रहा है और जो इन लोगों ने आरोप लगाया है क्या वो आरोप सत्य है या केवल आरोप तक ही सीमित रह जाएगा, कल इस बात का फैसला होगा। समाजवादी पार्टी के ज़िला महासचिव कुद्दूस साहब यहाँ मौजूद हैं और लगातार निगरानी पे भी बैठे हुए हैं, आपके दिल में क्या चल रहा है? आज समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशन पर हर ईवीएम मशीन काउंटिंग के लिए जहां रखी गई उस स्थान पर समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता जो है कल सुबह 11 बजे से लेकर अब तक जो है निगरानी पर मौजूद हैं, चाहे वो किसी तरह का कोई भी संघर्ष करना पड़े समाजवादी पार्टी की उसके लिए तत्पर है। आप लोग बाहर बैठे पता कैसे चलेगा कि अंदर क्या हो रहा है? हमारे समाजवादी पार्टी के जो सीनियर और तेज तर्रार लड़ाकू जो है कार्यकर्ता अंदर, उनको पास जारी है, वो सारे लोग अंदर बैठ के निगरानी कर रहे हैं। आप भी तो समाजवादी पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं, अपने अनुभव के साथ आप बताइए कि जो ये आरोप लग रहा है क्या आपको लगा केवल आरोप तक ही सीमित है या कि इसमें कुछ सत्यता है? नहीं, इसमें तो जो सोशल मीडिया पर जो आ रहा है वो EVM तक सामने दिखाई दे रही है, DCM पे दिखाई दे रही है, यहाँ तक जो है नगर पालिका का जो गाड़ियाँ उसमें दिखाई दे रही है, तो शंका का ये तो मतलब हकीकत है कि इसमें घालमेल के चक्कर में है या बदलने के चक्कर में है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जानदार कार्यकर्ता और नेता इस धांधली को रोकने के लिए किसी कीमत पर हाथ पे तैयार है, चाहे उसके लिए कुछ भी हो जाए। मतलब भाई पुराना जोश आप में है अभी? बिल्कुल रहेगा, आप पार्टी में है तो जोश जरूर रहेगा। हमारे साथ थे हाजी इरफान साहब। खबरें पसंद आई हूं तो लाइक करें, शेयर करें और अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दे सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और यह हमारे फेसबुक पेज को अगर आप देख रहे हो तो अगर फेसबुक पेज देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमें फॉलो करें, और अगर हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो हमारे सब्सक्रिप्शन का बटन दबा के नोटिफिकेशन वाला बटन दबाएं ताकि आपको ताज़ा खबरों से अपडेट किया जा सके।